हिमाचल प्रदेश की वादियां धार्मिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देश के अन्य राज्यों में पर्यटन की प्रतिकूल संभावनाएं होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में प्रदेश का रुख करने वाले पर्यटकों के आगमन में काफी इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पर्यटन व्यवसाय पर देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करता है। पहाड़ों के दीदार के लिए हर वर्ष यहां पर लाखों के हिसाब से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। अगर पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रदेश में पर्यटन की स्थिति बेहतर ही होती जा रही है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2005 में 71.36 लाख सैलानियों ने प्रदेश में उपस्थिति दर्ज करवाई है। वहीं अगर वर्ष 2014 की बात की जाए तो ये आंकड़ा 163.15 लाख के पास जा पहुंचा। सैलानियों की बढ़ती तादाद प्रदेश के पर्यटन और प्रदेश सरकार के लिए कई खास मायने रखती है। वहीं अगर विदेशी सैलानियों की बात करें तो 2005 में आंकड़ा 2 लाख के करीब था, लेकिन 2014 में 4 लाख के करीब पहुंच गया। 10 साल के पर्यटन से जुड़े आंकड़ों पर बात करें तो हर साल 150 लाख के लगभग पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनार्था का कहना है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम हर संभव कोशिश कर रहा है। अभी हमारी तरफ से टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे जो रेनोवेशंस वगैरह है होटल्स की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और दूसरा जो अभी हमारे कुछ एक पैकेजेस हम प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट को, और सबसे पहले जो एक फैसिलिटी हम इस बारे दे रहे हैं इसकी लॉन्चिंग 27 तारीख को है, उसे हम सब खुद करेंगे इसको लॉन्च। ये हमारी अब जो बुकिंग्स होगी वो सारी ऑनलाइन विद प्रोफेशनल टूर एंड ट्रेवल पीपल के साथ होगी। उधर प्रदेश में बढ़ रहे पर्यटन व्यवसाय से जहां सरकार खुश है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि जैसे जैसे सीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों के होटल बुकिंग की रफ्तार बढ़ती जाएगी। वर्ष की भांति मतलब 15 अप्रैल से लेकर के और 15 जून या 30 जून तक मैक्सिमम सीजन चलता है, पर ये बहुत अच्छी बात है। 2012 और 13 के मुकाबले इस साल जो है टूरिस्ट की जो बढ़ोतरी है बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो हमारी ऑक्यूपेंसी है होटल्स की, नोटे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अभी 50-60% होटल ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, और जो आने वाली हमारी बुकिंग है वो 80-90% बुक हो चुके हैं। और ये जो सीज़न है ये हमेशा की जून के आसपास ख़त्म हो जाता है लास्ट में, पर इस बार 15 जुलाई और 20 जुलाई तक जाने की उम्मीद है। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि मौसम एक देरी से खुला है और नीचे गर्मियाँ बहुत पड़ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश की ओर जिस तरह से सैलानी रुख कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यटक से जुड़े लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।